चलिए अब शुरू करते हैं वी लुकअप के साथ नाउ आई हैव ऑलरेडी मैंशन दिस अर्लियर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स अवेलेबल विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्सर सो बिकॉज इट अलाउज यू टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ बिग जंगल ऑफ डेटा यस एंड यू विल ऑल्सो एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इट इज अ रियली अ पावरफुल टूल वंस यू गेट टू सी वॉट इट कैन डू ऑल राइट सो लेट अस बिगिन वेल द फंक्शन ऑफ वी लुकअप इज सिमिलर टू वॉट वी हैव लर्न इन एच लुकअप फॉर्मूला तो जैसा हमने एच लुकअप में देखा था किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढना एंड उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना दैट इज द सेम थिंग दैट वी लुकअप इज गोइंग टू डू तो वी लुकअप और एच लुकअप में फर्क क्या हैस ऑफ एच लुकअप हम एक हॉरिजोटल डेटा सेट पर हम किसी डेटा को सर्च कर रहे थे वी लुकअप केस में इट इज गोइंग टू लुक फॉर अ वैल्यू इन अ वर्टिकल डेटा सेट ठीक है एंड दिस इज वाई वी लुकअप इज मोर पॉपुलर देन एच लुकअप बिकॉज डेटा सेट आपको ज्यादा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है जो भी लंबी लंबी लिस्ट होती है वो सब वर्टिकली निकल के आती है एंड उसी में आपको वी लुकअप का ज्यादा यूज करना पड़ता है दैट इज वाई वी लुकअप इज मोर पॉपुलर आई कैन से देन एच लुकअप ओके वी हेयर सेंस फॉर वर्टिकल सो चलिए लेटर्स सी हाउ कैन वी यूज दिस इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट हमारे पास यहाँ एक सेल्स डेटा गिवेन है जिसमें वी हैव रो आई डी विच इज़ नथिंग बट दिस सिक्वेंस सीरियल नंबर वी हैव सम ऑर्डर आई डीज कैटेगरी प्रोडक्ट नेम सेल्स अमाउंट क्वान्टिटी डिस्काउंट एंड प्रॉफिट ओके तो ये एक काफ़ी बड़ा डेटा है हमें अब क्या करना है वी हैव टू लुक फॉर दीज ऑर्डर आई हमें इन सभी ऑर्डर आईडीज के अगेंस्ट में कितना सेल्स हुआ है वॉट इज द सेल्स अमाउंट दैट वी हैव टू लुक फॉर ओके सो लेट स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला गिव एन इक्वल साइन वी लुक अप प्रेस टैब नाउ द सिंटेक्स दैट हैव कम अप, यू ऑलरेडी नो दिस वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स वाइल यूजिंग लुकअप यस सो सिमिलर सिंटेक्स है पहले हमें क्या चाहिए लुकअप वैल्यू तो लुकअप वैल्यू मतलब हमें क्या ढूंढना है हमें ढूंढना है इस ऑर्डर आईडी को यस yes? तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए कॉमा टेबल एरे कहां ढूंढना है इसको इस पूरे डेटा सेट में यस सो नाउ देर इज अ कैच हियर। इस डेटा सेट को सिलेक्ट करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू को आपको ढूंढना है हमें ऑर्डर आई को ढूंढना है राइट दिस शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर डेटा सेट जिस वैल्यू को आपको ढूंढना है वो आपके सिलेक्शन का सबसे पहला कॉलम होना चाहिए दैट इज अगर मैं रो आई से सिलेक्शन करता हूँ इस पूरे टेबल को देन दिस विल गिव मी अ रॉन्ग इनपुट और आई कैन से दिस विल नॉट बी एबल टू फाइंड दी रिजल्ट ओनली तो इसीलिए इससे ध्यान रखें कि आपको ऑर्डर आईडी से आपका सिलेक्शन स्टार्ट करना है नाउ दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन वाज नॉट देयर इन डिस्कसिंग एच लुकअप इनफैक्ट उस केस में भी ये रेस्ट्रिक्शन है बट वी हैव नॉट डिस्कस दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन देयर बिकॉज एच लुकअप में हम कहां पर सर्च करते हैं किसी वैल्यू को ऑन टॉप रो राइट एक हॉरिजोटल डेटा सेट है तो उसमें हम टॉप रो में जो भी हेडिंग्स गिवन है उसमें हम डेटा को सर्च करते हैं तो बाई डिफॉल्ट जब हम उस पर्टिकुलर डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं तो हम वो टॉप रो हमारा पहला रो ही होता है हमारे सिलेक्शन में तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है बट वाइल वी लुक अप देयर कैन बी मल्टीपल कॉलम्स एंड ज़रूरी नहीं है कि जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं वो हमेशा पहले कॉलम पर ही हो जैसे कि अभी हमें सर्च करना है ऑर्डर आई बट हमारा जो डेटा सेट है इसका फर्स्ट कॉलम है रो आई डी सो आई कैनॉट स्टार्ट सिलेक्टिंग फ्रॉम रो आई डी ओके सो दिस वॉज आई कैन से अ कॉशन कि आपको इसको ध्यान रखना है तो ऑर्डर आई डी से अब आप इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं सो आई यूज शिफ्ट कंट्रोल डाउन देन शिफ्ट कंट्रोल राइट तो ये पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो गया देन गिव अ कॉमा अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया हमें क्या ढूंढना है किस कॉलम में हमें वैल्यू को ढूंढना है तो व्हाट इज़ आवर टारगेट ऑब्जेक्टिव व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट द सेल्स अमाउंट तो सेल्स अमाउंट को ढूंढना है तो इट शुड बी ऑन विच कॉलम ऑर्डर आई इज द फर्स्ट कॉलम कैटेगरी सेकेंड प्रोडक्ट इज थर्ड एंड सेल्स इज फोर्थ सो माई कॉलम इंडेक्स नंबर विल बी फोर फाइन give a comma. Now approximate match or exact match. अब h lookup discuss करते वक्त हमने इसको ignore किया था. Well in this case we are going to discuss. We are going to uh, go to the details. What exactly these two mean? तो अभी यहाँ पर देखिए क्या scenario है हमारे सामने. What is the circumstance? That we need to look up for order IDs. डर आई डी इज वॉट आर वॉट दिज आर नंबर्स तो अभी मुझे सर्च करना है यहाँ पर फिफ्टी सेवन सो अभी नंबर्स केस में इफ आई डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट मैच अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट मैच करूँ तो फिफ्टी सेवन के सामने तो फिर फिफ्टी फाइव भी हो सकता है फिफ्टी एट भी हो सकता है सिक्सटी भी हो सकता है यस सो इन दिस केस इफ आई चूज अप्रोक्सीमेट मैच तो हो सकता है जो रिजल्ट आए वो एप्रोप्रिएट नहीं आए वो एग्जैक्ट नहीं आए बिकॉज अप्रोक्सीमेट मतलब तो उसके आसपास का कोई भी वैल्यू हो तो वो चलेगा राइट right? सो so, जब भी आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन तो आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच को फॉलो करना है अब अप्रोक्सीमेट मैच का एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसको हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अलग से टेकअप करते हैं ओके okay? तो अभी के लिए आप ये समझ गए हैं कि यहां पे एग्जैक्ट मैच लेना क्यों जरूरी है बिकॉज 57, आई हैव टू लुक फॉर दिस वैल्यू एग्जैक्टली exactly. इसके आस पास नहीं ढूंढना हमें सो लेटर्स गो विथ फॉल्स और एग्जैक्ट मैच आप फॉल्स के लिए जीरो भी टाइप कर सकते हैं ट्रू के लिए वन भी टाइप कर सकते हैं सो दिस टाइम वी नीड टू गो विथ फॉल्स या फिर एग्जैक्ट मैच सो आई है जीरो क्लोज द ब्रैकेट वी आर डन विद द फॉर्मूला बट बिफोर प्रेसिंग एंटर इस uh, कुछ सेल्स को आपको फिक्स करना जरूरी है जो आपका डेटा सिलेक्शन है इसको आप फिक्स कर लीजिए सो दैट वील बी एबल टू कॉपी एंड पेस्ट इट फॉर द तो हमने इसको फ्रीज कर लिया बाकी सब चीजें ठीक है नो प्रॉब्लम प्रेस एंटर सो वॉट इज द आंसर दैट वी गेट नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन फाइव तो अब इस डेटा सेट में अगर मैं फिफ्टी सेवन को सर्च करता हूं फिफ्टी सेवन एंड इफ आई फाइंड ई सी दैट फिफ्टी सेवन के अगेंस्ट में दिस वैल्यूज नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन फाइव तो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर राइट चलिए यह आंसर ठीक है तो अब इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं फॉर ऑल दि सेल्स एंड वेन आई पेस्ट इट तो आई गेस ऑल दीज आर ओके बट मेरा टोटल करेक्टली नहीं आ रहा है बिकॉज देर आर दीज वैल्यूज हियर हंड्रेड हंड्रेड वन एंड हंड्रेड टू जिसके अगेंस्ट में इट इज शोइंग uh, that it is not available. So let us check out कि क्या order ID में 100 available है या नहीं. So if I go and look for 100, then it cannot find this value. इसका मतलब ये तीनों order IDs जो हमने mention किया है, this is not present in our data set. Okay? So in this case, अब इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, because इसके वजह से हमारे जो total है, वो खराब हो रहा है.

आवर वैल्यू एंड कॉमा के बाद इट इज आस्किंग वैल्यू एफ एरर दैट इफ दिस फार्मूला इफ दिस वेलुक फार्मूला गिवस गिव्स एन एरर वैल्यू तो आपको क्या शो करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर या तो ब्लैंक सेल रख सकते हैं और इन दिस केस आई वुड लाइक टू शो नॉट फाउंड बिकॉज उस केस में रीडर को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है तो हम इन्वर्टेड कॉमाज में टेक्स्ट को लिखेंगे नॉट फाउंड क्लोज दी इन्वर्टेड कौमा एंड क्लोज दी ब्रैकेट तो हमने वी लुकअप के साथ ई फेरर फार्मूला यूज़ कर लिया एंड प्रेस एंटर एंड नाओ यू कैन कॉपी एंड पेज दिस शिफ्ट कंट्रोल डाउन प्रेस एंटर एंड दिस टाइम सभी वैल्यूज ओके हैं एंड ओनली इन केस ऑफ दिस थ्री ऑर्डर आई डीज आई एम गैटिंग दिस नॉट फाउंड बिकॉज ये वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर एंड यू नोटिस दैट नाओ दिस सम फार्मूला इज टेकिंग दोटल एक्ूरेटली

You know this already. That hard-coded figure, we can replace it with the help of MATCH formula, right? So, on this column on the right, we are going to use the same formula, VLOOKUP formula, but uh, using MATCH. So, uh, I, uh, you know this already. So, you can go ahead and uh, try it on your own. I am doing it at, uh, at a little lower pace, at a, at a little slower pace. Okay.

टैब इट इज आस्किंग फॉर द लुकअप वैल्यू अब मैच में हमें क्या ढूंढना है किसको मैच कराना है किससे हमें ढूंढना है सेल्स पर मिलेगा? ऑन दिस टॉप रो, राइट? तो हमें है सेल्स को. इसको फिक्स कर लीजिए फंक्शन एफ फोर कॉमा लुकअप एरे वॉट इज द लुकअप एरे दिस एंटायर रो आई लुक फॉर दिस एंटायर ओ फ्रॉम ऑर्डर आई डी टिल प्रॉफिट अब इसमें इसको भी फेस कर लीजिए फंक्शन एफ फो कॉमा मैच टाइप इज जीरो एग्जैक्ट मैच क्लोज द ब्रैकेट हमारा मैच फॉर्मूला कंप्लीट हो गया गिव अ कॉमा देन अगेन वी नीड टू गिव एन एग्जैक्ट मैच सो जीरो क्लोज द ब्रैकेट एंड अगेन फेरर फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया सो वी लुकअप के पहले आके वापस ई फेरर यूज करेंगे ई फेरर प्रेस टैब एंड ऑन द लास्ट गिव अ कॉमा एंड वी कैन स्पेसिफाई नॉट फाउंड क्लोज द इनवर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट प्रेस एंटर सो अब ये फॉर्मूला वैसे देखने में काफी बड़ा लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस की जो मेन हमने यहाँ पे प्राइमरीली uh, जो फार्मूला यूज किया दैट इज वी लुकअप उसमें बस हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को रिप्लेस करने के लिए मैच फार्मूला यूज किया एंड टू एवॉइड एरर इन दिस केस वी हैव यूज द इरर फार्मूला एज वेल ओके सो नाउ सिंपली कॉपी एंड पेज दिस एंड वी गेट द सेम अमाउंट विदाउट एनी इश्यूज ओके सो दिस इज हाउ वी कैन यूज वी formula with the match formula okay so सो uh, सो so हमने ये देखा कि वी लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल एज वी कैन सी बिकॉज अब यहाँ पे ऑर्डर आई डीज का जो डेटा है दैट इज वेरी ह्यूज उसमें से किसी पर्टिकुलर सेल्स वैल्यू को ये हमें फाइंड आउट करके दे रहा है सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल But this formula also has some limitations, which is given up here. What are the limitations of VLOOKUP? First thing that you cannot look for a particular value on the left side of the lookup column. Simple words, me. Abhi samne exercise tha, usme hamne kya kiya? We have uh, looked for a particular order ID. एंड उस ऑर्डर आई के अगेंस्ट में सेल्स अमाउंट कितना है वो हमने सर्च किया सो so, ये वीलुकअप किसलिए कर पाया बिकॉज सेल्स आई डी वॉज सेल्स अमाउंट वॉज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ ऑर्डर आई डी अगर ये सेल्स अमाउंट ऑर्डर आई डी के लेफ्ट साइड पर होता तो एक वीलुकअप फॉर्मूला इसको नहीं ढूंढ पाता बिकॉज लुकअप कैसे काम करता है लुकअप ऊपर से नीचे की तरफ देखता है एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता ठीक है सो so, अगर मैं इस सेल्स अमाउंट को बेस मानकर इसको अगर मैं लुकअप करके अगर मैं ऑर्डर आईडी को सर्च करने जाऊंगा देन इट विल शो मी एन एरर ओके इफ यू डू नॉट इफ यू वांट टू इफ यू वांट मी टू गिव अ डेमो देन लेट मी शो यू हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं एंड For this sales amount, I want on this table array. अब सबसे पहले बात तो ये टेबल एरे में ही आपका झोल हो जाएगा देखिए जो गलती होती है ना वी लुकअप ये formula को क्यों नहीं रिजल्ट uh, क्यों नहीं दे पाएगा इज बिकॉज ऑफ दिस टेबल एरे बिकॉज टेबल एरे के केस में हम मैंने क्राइटेरिया क्या बताया इट शुड स्टार्ट फ्रॉम the कॉलम वेयर योर लुकअप वैल्यू इज प्लेस्ड जहां पर अगर आप सेल्स सर्च कर रहे हैं तो सेल्स शुड बी योर फर्स्ट कॉलम यस तो अब सेल्स को अगर फर्स्ट कॉलम बनाना है तो मुझे अपना डेटा सेट को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ऑन दी राइट साइड अब अगर मैं ऑन दी लेफ्ट साइड अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑर्डर आई विल बिकम माई फर्स्ट कॉलम सो सेल्स अब फर्स्ट कॉलम रहा ही नहीं इसीलिए वी लुकअब इसको फैच नहीं कर पाएगा बट बट एनी वेज लेट मी शो यू चलिए पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट नहीं करता जस्ट आई आई के इफ आई सेलेक्ट ओनली दिस पोर्शन ओनली तो भी तो कुछ वैल्यू शो करना चाहिए राइट बिकॉज नाइन जीरो सेवन पॉइंट फाइव इज कवर्ड तो इसको रिजल्ट तो शो करना चाहिए कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर अब क्या देंगे आपको क्या सर्च करना है लेट से हमें प्रोडक्ट नेम सर्च करना है या फिर कैटेगरी सर्च करना है तो कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूँ टू प्रेस कर लेता हूँ बिकॉज इट इज द सेकेंड कॉलम नाउ गिव अ कामा जीरो क्लोजी ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर सो इट्स इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ये राइट से लेफ्ट सर्च नहीं कर सकता सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ वे लुकअप फॉर्मूला ओके दैट इट कै नॉट लुक ऑन द लेफ्ट साइड इफ यू टेक अ लुक ऑन दिस ऑर्डर आई डी इज़ यू विल सी दैट ये जो फिफ्टी सेवन ऑर्डर आई डी है इसके अगेंस्ट में और भी सेल्स आपको मिल सकते हैं सो इफ आई सेलेक्ट दिस कॉलम एंड इफ आई लुक फॉर फिफ्टी सेवन देन पहला आइटम तो यहाँ पर है दैट इज 907.15 अब और अगर सर्च करें सो देयर इज मल्टीपल ऑर्डर आईडीज विद दिस 57 वैल्यू एंड उसके अगेंस्ट में भी कुछ सेल्स अमाउंट है तो वी लुकअप ने हमें कौन सी वैल्यू को फेच करके uh, यहाँ लाकर दिया ओनली द फर्स्ट वन उसे उसने टॉप टू बॉटम इसने सर्च करना शुरू किया जो इसे पहली वैल्यू मिल गई उसका सामने कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मेंशन था सेल्स अमाउंट ने उसे कंसिडर कर लिया सो so, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं विद द सेम फॉर्मूला विद द सेम वैल्यू तो वी लुकअप उसको कंसिडर नहीं कर पा रहा सो दिसर लिमिटेशन दैट इट फेल्स टू रिफ्लेक्ट रिपीटेड वैल्यूज अगर एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है इट कैन नॉट फैच यू वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स इट विल गिव यू ओनली दैट वैल्यू विच इज कमिंग फॉर द फर्स्ट सर्च फॉर द फर्स्ट लुकअप वैल्यू ओके फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली ओके सो so ये दूसरी लिमिटेशन है तीसरी लिमिटेशन है इट फेल्स ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया अब आप सेल्स को अमाउंट को ढूंढ रहे हैं तो यू कैन ओनली स्पेसिफाई वन क्राइटेरिया आप मल्टीपल क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं कर सकते ठीक है बिकॉज यहां पे अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको लुकअप वैल्यू uh, में सिर्फ एक ही आइटम uh, डालने का ऑप्शन मिलता है आप लुकअप वैल्यू में या तो ऑर्डर आई डाल लीजिए या कैटेगरी डाल लीजिए या प्रोडक्ट नेम डाल लीजिए सो देर इज ओनली वन क्राइटेरिया सो दैट इज अनदर लिमिटेशन And uh, last one, first column for lookup value. This is I can say not a limitation, but uh, you can call it a limitation or you can call it a cautionary sign that uh, a caution that आपको ये चीज़ follow करनी पड़ती है, ठीक है? तो एक restriction बोल सकते हैं या एक limitation बोल सकते हैं, whatever you uh, feel okay. तो चलिए, ये कुछ limitations हमने देखा। अब इसी को ओवरकम uh, हम कर सकते हैं अब वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग द डी गेट फार्मूला नो दिस इज वाई वाई हैव कैप्ड दिस डी गेट फार्मूला जस्ट अलोंग द राइट साइड ऑफ वी लुकअप फार्मूला एंड ऑन द सेम शीट ऑफ कोर्स